Next, for the reaction shown, an equilibrium established at a temperature of 700 Kelvin. This equilibrium constant Kp for the reaction is 9.8 kilopascals. The partial pressure of N2O4 at equilibrium is 80 kilopascals. What is the partial pressure of NO2 at equilibrium? Okay. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दिया हुआ है. सबसे पहले Kp का एक्सप्रेशन निकालेंगे यहाँ पे. तो एक्सप्रेशन फॉर Kp हेयर वुड बी Kp इक्वल्स पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 पावर 1. ठीक है, Kp की वैल्यू दी हुई है 9.8, NO2 की अननोन है तो x स्क्वायर अपॉन N2O4 का जो है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 80. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स 9.8 × 80 और 9.8 × 80 इज इक्वल टू 784. तो x की वैल्यू निकालने यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालने के लिए हमें दोनों साइड का रूट लेना होगा. तो रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 784. तो 784 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो द वैल्यू कम्स टू 28. देयरफॉर एक्स इक्वल्स 28. सो 28 किलो पास्कल्स इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एंड बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेटेड वैल्यू द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Next, hydrogen iodide dissociates into hydrogen and iodine. 2HI gas gives H2 gas plus I2 gas. In an experiment, B moles of hydrogen iodide were put into a sealed vessel at pressure P. At equilibrium, X moles of hydrogen iodide had dissociated. Which expression for Kp is correct? So, इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा. तो टेबल बनाने के लिए हम लोगों को तीन कॉलम्स चाहिए, एक HI का, एक H2 का और एक I2 का, और तीन रोज चाहिए. Initial number of moles, reacting number of moles, and number of moles at equilibrium. So this question says, in an experiment, B moles of hydrogen iodide were put into a sealed vessel at pressure P. At equilibrium, X moles of hydrogen iodide had dissociated. X moles of hydrogen iodide had dissociated. X dissociate हुए. तो बचे कितने? B minus X बचे. ठीक है ना? अच्छा. तो based on this. इनिशियली हाइड्रोजन 0-0 था. ड्यूरिंग द रिएक्शन 2:1 के रेशियो से x/2 एंड x/2 बना. तो प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम जो है प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम x/2 एंड x/2 ये हो गए इनके आपके मोल्स एट इक्विलिब्रियम. तो जो Kp का एक्सप्रेशन है Kp वुड बी H2 पार्शियल प्रेशर इनटू I2 partial pressure into partial pressure of HI squared. ठीक है ना? अब यहाँ पे ये values डालेंगे तो total number of moles जो है हमें यहाँ पे as such निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो numerator denominator में same है तो वो cancel out हो जाएंगे. ठीक है, वो numerator में होगा 1/ total number of moles into 1/ total number of moles divided by 1/ total number of moles squared. तो इस तरीके cancel out होंगे. So what we do is we just place और pressure भी cancel out होगा by the way. प्रेशर इनटू प्रेशर अपॉन प्रेशर स्क्वायर कैंसिल आउट. तो वी जस्ट पुट द मोल्स एट इक्विलिब्रियम. तो ये हो जाएगा x/2 × x/2 डिवाइडेड बाय बी माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो बी माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए डिनोमिनेटर में. सी आंसर गलत हो गया, बाकी सब में बी माइनस एक्स है. अच्छा, न्यूमिनेटर में पी नहीं होना चाहिए तो बी आंसर गलत हो गया. अब ए और डी में से डिसाइड करते हैं. अब सिंस वी हैव x/2 स्क्वायर तो x/2 स्क्वायर को हम इसको सिंप्लीफाई करके यू भी लिख सकते हैं. x/4 यू टू स्क्वायर 4 होता है इनटू बी माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब ए और डी में से हमें आंसर सेलेक्ट करना है. ए में सिर्फ 4 मिसिंग है और बी में डी में 4 मौजूद है. So the correct option for this question is option D. Next,
द गैसेस एक्स एंड वाई रिएक्ट टू फॉर्म जेड. एक्स गैस प्लस वाई गैस गिव्स जेड गैस. एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस इज कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. वॉट विल बी द चेंज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड एंड इन के पी. अच्छा, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस इज कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स द साइड विद द लेसर नंबर ऑफ मोल्स. तो इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 1 है. तो इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड. तो आपने प्रेशर चेंज किया लेकिन टेम्परेचर चेंज का कोई जिक्र नहीं है. के पी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट. तो चेंजेस इन प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ के पी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड विल इंक्रीज क्योंकि मोर ऑफ जेड विल बी प्रेजेंट एंड के पी विल रिमेन द सेम. तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन बी है. मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड इंक्रीजेस एंड के पी में नो चेंज है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन यू शुड अज्यूम दैट ऑल गैसेस बिहेव आइडियली. हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट रिवर्सिबली इन द फॉलोइंग रिएक्शन. द सिस्टम रीचेस डायनामिक इक्विलिब्रियम. H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस. डेल्टा एच इज -9.5 किलो जूल्स पर मोल. ओके, विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू फॉर द केपी ऑफ द इक्विलिब्रियम टू बी कॉन्स्टेंट. ओके, केपी को कॉन्स्टेंट रखना है. द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ H2, I2 एंड HI आर इक्वल. ये तो कभी किसी ने नहीं बोला कि पार्शियल प्रेशर इक्वल होंगे तब केपी कॉन्स्टेंट होगा. बिल्कुल अलग हो के भी केपी कैलकुलेट हो सकता है. हाँ, दे मस्ट नॉट चेंज, ये यहाँ नहीं लिखा है. तो ऑप्शन ए गलत हो गया. बी, द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट हो या चेंज कर जाए उससे आपके इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर फर्क नहीं पड़ेगा तो केपी की वैल्यू भी सेम रहेगी वेदर द प्रेशर चेंजेस और नॉट. सी, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस हैव स्टॉप्ड. दैट कैन नेवर हैपन. इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल reactants will react to form products and product in this case will dissociate to reform the reactants and this will happen continuously without stopping ever. So all three options are wrong. ABC based on selection by elimination, D should be the correct answer. But let's check what D says. The temperature is constant. Yes, we know that KP is a temperature dependent constant. Its value will change with changing temperature. If the temperature is constant, the value of KP will stay the same. It will remain constant. So option D is the correct option for this question. Next, in this question, all pressures are measured in atmospheres. ठीक है. The equation represents the equilibrium between three gaseous substances X, Y, and Z. ठीक है. Equation क्या है? X plus 3Y gives 2Z. Okay. At temperature T1, the numerical value of KP, the equilibrium constant is 2. ठीक है, KP की value 2 है. At a higher temperature, T2, the partial pressures at equilibrium are shown. At a higher temperature, ठीक है, partial pressure of equilibrium. Which row is correct? The numerical value of KP at T2 is? Okay, numerical value of KP at T2 निकालनी है हमें. और numerical value of KP at T1 जो है, इन्होंने 2 दी हुई है. ओके, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, वो तो केपी की वैल्यू से डिपेंड करेगा. तो अब हम लोग देखते हैं विच रो इज करेक्ट. तो इसलिए कैलकुलेट करना होगा. टेम्परेचर एट T2, पार्शियल प्रेशर्स आर गिवन. तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ केपी बनाना होगा. तो एक्सप्रेशन ऑफ केपी इस केस में हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई क्यूब. इसको प्लेस करते हैं 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 क्यूब. तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 और डिनोमिनेटर क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 इज 54. तो 25 अपॉन 54. ए और बी गलत हो गया, सी और डी में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा. तो 25 अपॉन 54 तो मिल गया. अब इन्होंने बोला है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे 25 डिवाइड बाय 54. तो 25 डिवाइड बाय 54 गिव्स अस 0.46. ठीक है, 0.46.
लोअर टेम्परेचर पे के पी टू है, टी वन पे के पी टू है और टी टू पे के पी जो है वो 0.46 है। तो हायर टेम्परेचर पे के पी की वैल्यू कम हो गई। और के पी क्या होता है, के पी इज प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। और के पी की वैल्यू कम कब होती है, जब प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो और रिएक्टेंट्स की वैल्यू बढ़ जाए। जब न्यूमिनेटर कम होगा तो के पी की वैल्यू कम होगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो के पी की वैल्यू कम होगी। विच मीन्स के एट अ हायर टेम्परेचर रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और हायर टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक साइड ऑफ द रिएक्शन, विच मीन्स द रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड्स, इफ द बैकवर्ड साइड इज एंडोथर्मिक दस द फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन based on our findings is option D.